क्राइम ब्रांच की महिला अपराध निवारण शाखा व एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट की टीम ने थाना क्षेत्र में स्पाकियाड़ में चल रहे दुग वैशाली थाना क्षेत्र में स्पाकियाड़ में चल रहे थाना क्षेत्र में स्पाकियाड़ में चल रहे वैशाली की आड़ में चल रहे वैशाली में छापेमारी की है। उजना दरवाजा के पास एक स्पा व अडाजन में फ्लैट की आड़ में चल रहे वैशाली पर छापेमारी कर कोठी के मालिक मैनेजर व ग्राहक समेत 12 लोगों को गिरफ्तार किया है। टीम को वांछित घोषित किया गया है। क्राइम ब्रांच की टीम ने दिल्ली के रूपाली रेस्टोरेंट के ऊपर स्थित गेस्ट हाउस में वैशाली चलाने की सूचना के आधार पर गेस्ट हाउस के मालिक संकेत रोहित कोसिया मैनेजर नूर जमाल हकीम शेख को गिरफ्तार किया है। हरिनगर उधना वापसी बंगाली ग्राहक आकाश सूरज पंडित और प्रदीप गिरी सहित चार नलना को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने मालिक प्रबंधक और ग्राहक को गिरफ्तार कर लिया है और 39,000 रुपए का कीमती सामान जब्त कर लिया है। क्राइम ब्रांच ने थाना क्षेत्र के अंदर खंड बाजार गरनाला के पास नेशनल प्लाजा की पहली मंजिल पर स्थित लेकव्यू स्पा में स्पा की आड़ में वैशाली चलाने और मालिक सोनू बनवारी लाल जग के रहने की सूचना मिलने पर छापा मारा है। सीताराम सोसाइटी पुना व प्रशासक राजकुमार अश्विन पटेल और चार लल्ला को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने मालिक प्रबंधक को गिरफ्तार कर 70,900 रुपए नकद जब्त कर ली और महिला प्रबंधक को वांछित घोषित कर दिया गया है। इसे अपराध शाखा ने उधना दरवाजा दरगाह के सामने नवरंग बिल्डिंग के प्रथम तल पर स्पाकियाड में चल रहे कोठे से छापोमारी कर पांच लल्ला को ग्राहक मुकेश वल्लभ पटेल महिला प्रबंधक व फिरोज दादा पीर के साथ दबोचा है। पुलिस ने उसके पास से चार मोबाइल फोन और 25,420 रुपए नकद बरामद किए हैं। अडाजन एलपी सवानी सर्किल से एसएमसी क्वार्टर में कुटन खाना के संचालक की सूचना मिलने पर क्राइम ब्रांच ने अडाजन पालनपुर जकातना का विद्याकुंड स्कूल के पास सिद्धि विनायक पार्क प्रयागराज अपार्टमेंट में एक फ्लैट में छापा मारा है।